देखिए, सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व और अपना इंद्री की जनता का ध्यान धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस आवेदन के लिए आगे किया। फिर इसके बाद हमने चुनाव के लिए जो हमने मुद्दे तैयार किए हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे देश में इस टाइम पे स्त्रियों की हालत क्या चल रही है। औरतों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, औरतों को सुरक्षा नहीं मिल रही। जो सरकार वादा करती थी कि हम औरतों को सुरक्षा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने कौन सा वादा अपना पूरा किया है? आप उनके घोषणा पत्र को उठा के देखिए, उन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, स्त्रियों को सुरक्षा देंगे, कोई भी एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को अपना धान का मूल्य नहीं मिल रहा। और हम तो इंद्री में सिर्फ हम जो मुद्दा लेके चलेंगे, जो हमारा मेन है, इंद्री की जनता की आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचाना। देखो, मैं एक महिला होते हुए ये जानती हूँ कि औरत को सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। चाहे वो कितनी भी ऊंची हो जाए, कितना भी है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। पर खट्टर सरकार की, किसी भी सरकार ने, इस सरकार ने औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं सोचा। मैं औरतों की सुरक्षा के लिए मुद्दा सबसे पहले उठाऊंगी।